शहबाज एक बच्चे का वालिद था और उसकी अहलिया कराची गई थी, लेकिन जैसे ही उसको इत्तला मिली कि शहबाज की डेथ हो गई, वो वापस पहुंची, लेकिन जिंदा के बजाय शहबाज को मुर्दा हालत में पाया। मैं जी शहबाज की बीवी, तो मैं अपनी वालदा के गई थी घर, मैं बीमार थी और मुझे यहाँ पे कुछ पता नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और मेरा 11 साल का बेटा है, इसने ज़बरदस्ती उसके साथ की है, उसे शराब पिला के उसे जैन ने, और उसने ये भी मुझे कहा है कि ये जैन मुझे बहुत तंग करता है और मैं बताना चाहता हूँ घर में लेकिन मैं बता नहीं सकता, लेकिन ये मुझे बहुत मेरे साथ बेइंसाफी कर रहा है। जी नहीं, वो शराब नहीं पीता था, ये ज़बरदस्ती उसे ले जाता था और घर जाके उसे खूब अच्छे तरीके से पिला के उसे फिर बाहर धक्के मार के निकाल देता था, लेकिन पता नहीं मुझे यहाँ पे मैं नहीं थी, मैं अपनी अम्मी के घर गई थी, मैं बीमार थी, तो वहाँ उसने जिस दिन उसके साथ ये वाक्या हुआ है, मेरी छोटी सिस्टर है शायद नशा बस्ती, उसके घर के पास ही कहीं छोड़ के आ गया, फेंक के आ गए, उसने बच्चे ने बाहर चीज़ लेने के लिए गए थे दुकान पे और उसने देखा कि अम्मी मम्मा वो ना अंकल बाहर गिरे पड़े, वहाँ से वो जल्दी से भाग के गई है मेरी छोटी सिस्टर और उस वो जल्दी से हॉस्पिटल ले गए उसे उठा के, लेकिन फिर छोटी सिस्टर ने मुझे फ़ोन करके बताया कि आपके जो मियाँ ना वो उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, आप जितनी जल्दी हो सकता आप घर आ जाएं, तो मैंने कहा क्या हुआ है, कहती उसने ना कहा है कि जैन जहाँ मेरे मुझे यहाँ पे छोड़ गया और मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, मुझे शराब पिलाता है और मरे को वहाँ पे फेंक के गए हैं, और मेरा बेटा फिर मैं वालदा को अपनी सास ससुर को मैंने इधर सिंध हैदराबाद से फ़ोन करके इन लोगों को बताया कि ये बात हो गई, ये वाक्या हो गया, आप जाएं और फौरन उसे पता करें कि उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन मुझे छोटी बहन ने बताया कि उसके साथ बहुत बुरा है, उसकी कोई हालत नहीं है बचने की और आप जितनी जल्दी भी हो सकते हैं कि आप घर अपने आ जाएं, और यहाँ पे मैं जब आई हूँ तो मैंने देखा है कि मरे का ही मुँह देखा है मैंने आके, और मैं कहती हूँ मुझे मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए, मैं अपने बेटे के लिए इंसाफ अपने मियाँ का मांगती हूँ कि ये जैसे इसने मेरे मियाँ को मारा है इसको भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे को इंसाफ मिले, हमारा हक हमें मिले, वो कॉन्वर्ट बोर्ड में मुलाजिम था और पक्की नौकरी करता था, ये उसे काम पे भी नहीं जाने देता था, वो रास्ते में से उसे पकड़ के कहीं ले जाता था, उधर जाके उसे शराब पिलाता था वो, और उसे जब पिला के तो फिर घर में बाहर छोड़ जाता था, और वो शराब नहीं पीना चाहता था लेकिन ये उसके साथ ज़बरदस्ती करता था, नहीं मोहल्लेदार थी, कोई दोस्ती वगैरह नहीं थी उसके साथ उसकी, हम ये चाहते कि हमें अपना हक मांगना चाहते हैं कि हमें अपना हक मिले और मेरे बेटे को इंसाफ मिले और मुझे भी इंसाफ मिलना चाहिए, और मेरी यही पूरी कोशिश है कि जैसे मेरे बेटे को इन लोगों ने यतीम किया है लेकिन अल्लाह इसे भी ऐसे यतीम करे और इसके भी बच्चे ऐसे रोए जैसे मैं रोती हूँ, और मुझे इंसाफ चाहिए, मैं कहती हूँ कि वज़ीर आला इंसाफ मांगती हूँ, मैं अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगती हूँ, अपने मियाँ का इंसाफ मांगती हूँ, सर जी मैं तो यहाँ पे है भी नहीं थी, उन मुझे पता ही नहीं था मेरे मियाँ के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मुझे इतना बताने का उन लोगों ने मौका दिया ही नहीं, और जब बात ये पता चला है जा कि आपके मियाँ की तबीयत ख़राब है और छोटी सिस्टर के दरवाजे के पास फेंक के चले गए जैन वगैरह, वो गर्मी थी कि पता नहीं क्या था, लोग इतने अपने घरों में बाहर होते ही नहीं, दुकान वाले ने देखा है कहता ठीक है वो आया ज़रूर है मैंने देखा, लेकिन मैं फिर उसके बाद मैंने नहीं देखा उसे, तो वो मरे कोई फेंक के गए उधर, तो बस बच्चों ने देखा, उसके बेटे ने देखा वो चीज़ लेने गए हैं, तो उन लोगों ने बच्चों ने देखा और अपने वालदा को आगे बताया उसने। मेरा नाम दाइम है, मैं शहबाज का बेटा हूँ, मेरे से इतना प्यार करते थे। पढ़ते हो जी? कैसे थे आप जिसे प्यार करते थे? जी कार्यकाल मेरे पापा प्यार करते हैं। पापा बहुत मुझसे प्यार करते हैं। चुप करो। क्या हुआ आपको, कैसे पता चला?
मैं मासों ने फोन किया था मुंदर थे वो इसलिए मुंदर से पता चला था। तो आप किधर गए हुए थे? सिंध। किसके पास? नानू के पास। तो किसने फोन करके बताया आप लोगों को? मासों को, मासों ने फोन करके बताया था। फिर आप आए? जी मुंदर आए। पापा को देखा? जी। पापा आपके साथ प्यार करते थे? जी। मेरे पापा को मारा बहन ने, मुझे इंसाफ चाहिए। जब शहबाज के भाई की जानिब से जैन के खिलाफ एक एप्लीकेशन दी गई तो उसके बाद उसके भाई को तशद्दुद का निशाना भी बनाया और जैन ये बात बखूबी जानता था कि फिर से कोई दरखास्त उसके खिलाफ दी जा सकती है। तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद भी वो चैन से नहीं बैठा। मैं शहबाज का भाई हूँ, मैं इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं जैन करो खुद लेके गया शहबाज नू, इन्हों ऐसे आख्या नाल इन्हें नहीं जाना, यह बदो तकीर खिंच के तरूक लग गया है, इन्हें जहरीली शराब पिया के इन्हू मारता है। सानू उ शादन शाह बस्ती तो पता लगा असं नासे भजे आप, फिर असी कंडियालो जी जाके अपने कंडियालो जी तो वेख्या डैथ हुई ये असी उतों एम्बूलेंस लिया है इतों थाने लै गए। थाने वाले ने कोई इंसाफ नहीं सानू दिता, जिधर भी जाने सानू अगो रखा है गया वे और रखा गो जनू फोन कर दिता जैन जी भाजा जैन तेरे मगर चढ़े ही हूँ तो दे रखा फोन करके तो उन्होंने भजा दिता वे रखा बिचो पैसे लेंदा वे उन्होंने को असी इंसाफ सानू मिलना चाहिए। ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਇਹ ਵੇਚਣ ਡਿਆ ਬੈਠੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਵੇ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। मैं सब भैन भरा सलाम करना जनाब, मैं मसीह बरादरी का नुमाइंदा भी हूँ जनाब, कि इस बैल हाते जनाब बहुत ज़्यादा नजायज़ फरूशी होंगी है। ये जैन नामी बंदा है, वो अरसा दराज तो शराब जहरीली शराब बना के बेच रहा है और उन्होंने महलदार ने मना भी किया, अगो बदमाशी करता गाला कड़ता सब दिन धियां भैन कड़ता महल दूरिया, यह नहीं कि सिर्फ जिन्हें बच्चा मरिया उन्होंने कड़ता पूरे महल कड़ता गाला, शराब पी के भी दूसरों को कटा भी है और जहरीली शराब बेचता घर बना के बेचता। लिहाजा मेरी यो ही गौरमेंट अगर इल्तजा है, पुलिस डिपार्टमेंट अगर इल्तजा है कि इस नजायज़ फरोशी बंद किया जाए। असी काफ़ी दफ़ा शुमाली छोनी थाने गए लेकिन साड़ी कोई सुनवाई नहीं हुई, वो वक्ती तौर फड़ के लै जाते हैं फिर छड़ देंगे ने, कोई उन्होंने कानूनी कार्रवाई नहीं होंगी जी योजी भी जिंद नसीहत हो। लिहाजा यो इल्तजा साड़ी गौरमेंट अगे भी और पुलिस डिपार्टमेंट अगे भी इनू नजायज़ फरोशी बंद किया जाए और साढ़े पांच सत्त बच्चे मर चुके हैं जहरीली शराब पी पी के और अन करीब होर भी मरन वाले ने, यो गौरमेंट अगे इल्तजा जे मतलब बच सकते हैं उन्होंने बचाओ, मेहरबानी है साड़ी यो इल्तजा गौरमेंट अगे भी और पुलिस डिपार्टमेंट अगे भी कि इस नजायज़ फरोश नाल सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा सलाम, तो मैं तो राशन बैल आते था, तो मेरी तो गुजारिश है तो जराम खत्म की जाए, जैन नाम का आदमी बहुत ज़्यादा बेच पे साढ़े गुजारिश है ना पुलिस सुन ना कुछ कोई गल नहीं सुनता, साड़ी मेहरबानी साढ़े अपील तो बाबा जी तौन करो इंसाफ दवाओ। सारे महल शराब बेच रहे जैन बंदा कले आ जी बंद होनी चाहिए, बच्चे बड़े खराब हो गए ने, बड़े फौत भी हो गए ने बच्चे चार पाँच, बाबे का बच्चा भी फौत होया इतने वजह करके, कले आ गौरमेंट अगर अपील है ते अगे भी मीडिया के भी सारे पुलिस के बंद होनी चाहिए, कार्रवाई की जानी चाहिए। भाई सुबह सुबह ने जैन आए थे चाची ने बुला, सुबह ने कह रहे थे कि तरह सुपरवाइजर आया, सुबह सुबह लैके गए थे शराब पिला के तो उन्होंने बाहर सुट गए सड़क से, फिर अभी रन फोन किया कि आके इन्हें लै जाओ। गए ने सर सारे नाल जाते रहे बाबे के नाल, जिनी कि उन्होंने सुनवाई होंगी बेचारे टाल देंगे ने आ जाते हैं, फिर दूसरे दिन टाइम दे देंगे फिर टाल देंगे ने आ जाओ भी
ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਆਏ ਚਲਾਈ ਹੋਈ, ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਬੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।